हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमारी मशीन 50% रेडी हो गई थी। उसका वीडियो लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप उन्हें भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पे मैंने हीटिंग एलिमेंट लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉटन लगा दिया। उसके बाद इस पूरे को मैंने एमडी बोर्ड के अंदर लगा के फैब्रिक से चिपका दिया। उसके बाद इसकी वायरिंग करने के बाद इस पूरे कंपोनेंट को मैंने मशीन के अंदर लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद इसकी सारी वायरिंग कर दी। उसके मेन वायर को निकालने के बाद डीसी जैक लगा दिया है। ऊपर वाले एमडी बोर्ड मैंने यहाँ पे छेद कर दिया और इसकी एक कैप बना दी ताकि हम बाद में मशीन में लिक्विड ऑयल डाल सके। उसके बाद मैंने पूरे पे फैब्रिक को लगाने के बाद ऊपर वाले एमडीएफ बोर्ड को इसके ऊपर लगा दिया। काफी अच्छे चिपकाने के बाद मैंने इसकी लैग भी लगा दी जो कि हार्ड वायर इसकी अगली वीडियो में टेस्टिंग करेंगे।